खोज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। खोज वर्ल्ड में आज हम आपको बताएंगे धारा 370 हटवाने के मास्टर माइंड कहे जाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की पूरी कहानी। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के मास्टरमाइंड और कश्मीर में धारा 370 हटाने के मास्टरमाइंड कहलाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का जन्म 20 जनवरी को हुआ। ये एक ऐसे भारतीय हैं जो खुलेआम पाकिस्तान को एक और मुंबई के बदले बलूचिस्तान छीन लेने की चेतावनी देने से गुरेज नहीं करते। वो पाकिस्तान के लाहौर में अपने देश की रक्षा के लिए 7 साल तक मुसलमान बनकर रहे। वे भारत के ऐसे नागरिक हैं जिन्हें सैन्य सम्मान कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। ये सम्मान पाने वाले वो पहले पुलिस अफसर हैं। चलिए आज हम अजीत डोभाल की कुछ खास बातें जान लेते हैं। अजीत डोभाल आईपीएस और भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में 20 जनवरी 1945 को अजीत डोभाल का जन्म हुआ। इनके पिता इंडियन आर्मी में थे। अजमेर मिलिट्री स्कूल से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। 1968 में केरल बैच के आईपीएस अफसर अजीत डोभाल अपनी नियुक्ति के 4 साल बाद 1972 में इंटेलिजेंस ब्यूरो से जुड़ गए। अजीत डोभाल ने करियर में ज्यादातर समय खुफिया विभाग में ही काम किया। कहा जाता है कि वो 7 साल तक पाकिस्तान में खुफिया जासूस की तरह रहे। साल 2005 में एक तेज तर्रार खुफिया अफसर के रूप में स्थापित अजीत डोभाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर के पद से रिटायर हो गए। इसके बाद साल 2009 में अजीत डोभाल विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के फाउंडर प्रेसिडेंट बने। इस दौरान न्यूज़पेपर में लेख भी लिखते रहे। साल 1989 में अजीत डोभाल ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से चरमपंथियों को निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लैक थंडर का नेतृत्व किया। उन्होंने पंजाब पुलिस और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के साथ मिलकर खुफिया ब्यूरो के अधिकारियों के दल के साथ मुख्य भूमिका निभाई। जम्मू कश्मीर में घुसपैठियों और शांति के पक्षधर लोगों के बीच काम करते हुए डोभाल ने कई आतंकियों को सरेंडर कराया। अजीत डोभाल 33 साल तक नॉर्थ ईस्ट जम्मू कश्मीर और पंजाब में खुफिया जासूस रहे, जहां उन्होंने कई अहम ऑपरेशन किए। 30 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजीत डोभाल को देश के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त कर दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान उन्होंने एक जासूस की भूमिका निभाई और भारतीय सुरक्षा बलों के लिए महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी उपलब्ध कराई, जिसकी मदद से सैन्य ऑपरेशन सफल हो सका। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान वो सबसे ज्यादा चर्चा में आए, लेकिन उससे ज्यादा चर्चा में वो अब हैं। वो भी मुद्दा है धारा 370 का। कैसी लगी आपको अजीत डोभाल की कहानी? हम आगे भी अजीत डोभाल के बारे में और जानकारी आपको देंगे, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।